जय हिंद। इक्केला राम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग चलते हैं प्रमुख धर्म, जो कि खान साहब का पीडीएफ कहा उसमें आ रहे हैं। प्रमुख धर्म में सबसे पहले आजीवक संप्रदाय के बारे में जानते हैं। तो आजीवक संप्रदाय में सबसे पहले है, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मोगलीपुत 30 घोषाल, जो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है। अशोक के पिता बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को क्या मानते थे? अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को बहुत से गुफा, जैसे नागार्जुन, बराबर की पहाड़ी गुफा, सुदामा की गुफा, दशरथ की गुफा दान में दिए। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को बहुत से क्या दिए? गुफा दान में दिए, जिसमें नागार्जुन हो गया, बराबर की पहाड़िया हो गया की गुफा हो गया, सुदामा की गुफा, दशरथ की गुफा, जो कि दान में दिए थे। उसके बाद आप जानते हैं भागवत धर्म के बारे में। तो भागवत धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक कौन हुए? वासुदेव, जो कि कृष्ण थे। इस धर्म में सबसे अधिक जोर भक्ति पर दिया गया, जो कि भागवत संप्रदाय वाले बलि, कर्म कांड और पशु हत्या के विरोध में था। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हुए, जो कि अरिष्ट नेमी के समकालीन थे। इस धर्म में मुख्य रूप से कृष्ण की पूजा होती थी। भागवत धर्म में किसकी पूजा होती थी? तो कृष्ण की पूजा होती थी। तो इस धर्म मतलब भागवत धर्म में सबसे लोकप्रिय स्वरूप क्या था? वैष्णव धर्म है। इसका निवास स्थान मथुरा। इस धर्म का उदय किस काल में हुआ? तो मौर्योत्तर काल में हुआ। इसकी प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो उपनिषद से मिलती है। परंतु मेगास्थनीज के द्वारा जो रचित इंडिका पुस्तक है उसमें बताया गया मौर्य काल में भागवत धर्म का प्रचलन था। इन्होंने इंडिका में लिखा कि सूरसेन यानी मथुरा के लोग हेराक्लीज कृष्ण के उपासक थे। हेराक्लीज जो कि कृष्ण का यूनानी रूपांतरण था। हेराक्लीज क्या है? तो कृष्ण का यूनानी रूपांतरण। सुंग वंश के 9वें शासक कौन थे? भागभद्र। सुंग वंश के 9वें शासक कौन थे? भागभद्र। किसके दरबार में? हेलियोडोरस आया था। भागभद्र के दरबार में कौन आया? हेलियोडोरस। सुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में कौन आया? हेलियोडोटस आए। वह भागवत धर्म में अपना लिया और वह भागवत धर्म अपना लिया और हेलियोडोटस, जो कि भगवान विष्णु के सम्मान में मध्य प्रदेश के विदिशा, जिसको बेसनगर के नाम से जाना जाता है, में स्तंभ लेख का निर्माण करा, जिसे गरुड़ स्तंभ लेख कहा जाता है। इस स्तंभ लेख पर उसने ओम नमो भागवते वासुदेव दुआ लिखवाया। गरुड़ स्तंभ लेख पर उसने ओम नमो भागवते वासुदेवाय लिखवाया। इस धर्म का वर्णन सबसे पहले छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का वर्णन मिलता है। भागवत धर्म के सिद्धांत श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है। भागवत गीता के रचयिता वेद व्यास हैं। भागवत गीता के रचयिता कौन है? वेद व्यास है। श्रीमद् भागवत गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया। भागवत गीता की मुख्य शिक्षा निष्काय कर्म योग, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यह बताया गया। भागवत गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया, जिसमें भागवत गीता की मुख्य शिक्षा क्या है? कर्म योग, निष्काय कर्म योग, बस काम करते रहो, जैसे कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यह बताया गया। कृष्ण के समर्थक भागवत कहा जाता है। किस कृष्ण के समर्थक क्या कहा जाता है? तो भागवत कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग शैव धर्म। शैव धर्म के मानने वाले को शैव धर्म कहा जाता है। शिव को मानने वाले को क्या कहा जाता है? शैव धर्म कहा जाता है। उनके उपासक शैव कहलाए। इसमें भगवान शिव की उपासना की जाती थी, जैसे शिवलिंग तथा पहला साक्ष सिंधु सभ्यता मिला, किंतु यह प्रमाणिक नहीं है। शिवलिंग को पहला प्रमाणिक साक्ष मत्स्य पुराण में मिलता है। शिवलिंग को पहला प्रमाणिक साक्ष कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। शैव धर्म को मानने वालों को दक्षिण भारत में अधिक है। शैव धर्म मानने वाले दक्षिण भारत में क्या सबसे अधिक है? शैव धर्म को मानने वाले लोकप्रिय वंश कौन कौन है? तो एक हो गया पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट और चालिक, जो कि दक्षिण भारत के जितने भी वंश हैं वह
शैव धर्म को मानने वाले ज्यादा लोकप्रिय वंश है, जिसमें पल्लव वंश हो गया, चोल वंश, राष्ट्रकूट, चालुक्य थे। गुप्त काल में शैव धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था। गुप्त काल में शैव धर्म कहाँ पर था? अपने चरमोत्कर्ष पर था। शैव धर्म में परमात्मा जीवात्मा बंधन की परिकल्पना की गई है। नयनारों ने पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार किया था। शैव सिद्धांत के चार पद विद्या योग कर्म और चर्चा। शैव सिद्धांत के तीन पदार्थ कौन कौन है? पशु पास और पति। शैव सिद्धांत के तीन पदार्थ है पशु पास और पति। पशुपात और पति शैव धर्म के तीन पदार्थ हुए। शुद्ध संप्रदाय के संस्थापक कौन है? श्री कांताचार्य। शुद्ध संप्रदाय के संस्थापक श्री कांताचार्य हुए। शुद्ध संप्रदाय के संस्थापक कौन हुए? श्री कांताचार्य हुए। शैव धर्म का प्रमाण कहाँ कहाँ से मिला? शैव धर्म का जो प्रमाण मिला वह कहाँ से मिला? तो प्रारंभिक प्रमाण मिला हड़प्पा संस्कृति से मिला शैव धर्म का प्रमाण। ऋग्वेद में शिव को रुद्र या शिव कहा गया है, ये यहाँ से मिला। अथर्ववेद में शिव को भव सर्व पशुपति एवं भूपति कहा गया है। अथर्ववेद में शिव को क्या क्या कहा गया है? भव हो गया, सर्व हो गया, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला क्या है? स्पष्ट वर्णन है। उसके बाद है तैत्रेय अरण्यक में रुद्र की पत्नी पार्वती को पद्मा उमा गौरी एवं भैरवी कहा गया है। तैत्रेय अरण्यक में रुद्र की पत्नी पार्वती को क्या क्या कहा गया? तो पद्मा हो गया, उमा गौरी एवं भैरवी कहा गया। मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा वृतांत में डायनोसियस नामक शिव का उल्लेख करते हुए भगवान में शिव पूजा का विवरण दिया है। मेगास्थनीज जो कि अपनी यात्रा वृतांत में डायनोसियस नाम से शिव का उल्लेख करते हुए भारत में शिव पूजा का विवरण दिया, जिसमें बामन पुराण के अनुसार शैव धर्म मुख्यतः चार भागों में बंटते हैं। बामन पुराण के अनुसार शैव धर्म कितना कितने धर्मों में? तो चार भागों में बंटता है, जिसमें पहला है पशुपतिक। पशुपतिक ये शैव धर्म का सबसे प्राचीन शाखा, इन्हें पंचार्थी भी कहा जाता है। शैव धर्म का सबसे प्राचीन शाखा है और इसे पंचार्थी भी कहा जाता है। पशुपतिक संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे। पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन है? लकुलिश। इसमें शिव के 18 अवतार का वर्णन मिलता है। शिव के 18 अवतार का वर्णन पशुपति संप्रदाय में मिलता है। लकुलिश को शिव भगवान ने 18 अवतारों में से एक माना। लकुलिश को शिव भगवान के 18 अवतारों में से क्या माना? एक माना। और पशुपत संप्रदाय प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र से है। पशुपत संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो पशुपत सूत्र है। उसके बाद है दूसरा काया कपालिक। कपालिक ये नर खोपड़ी में भोजन जल ग्रहण करते एवं मदिरा पान करते थे। कपालिक में क्या होता था? ये नर खोपड़ी में भोजन जल ग्रहण करते थे। अस्थि के भस्म को पूरे शरीर में लगाते थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव माने जाते हैं। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन है? भैरव। और इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र श्री शैलम नामक स्थान था, जो कि नागा साधु कपालिक होते हैं। उसके बाद आते हैं लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय में क्या है? शैव धर्म की इस शाखा का विकास कर्नाटक में अधिक हुआ। लिंगायत संप्रदाय का शैव धर्म की इस शाखा का विकास कर्नाटक में सबसे ज्यादा हुआ। इसका प्रमुख अल्लभ प्रभु, इसका प्रारंभ अल्लभ प्रभु उनके शिष्य बासव ने किया। लिंगायत संप्रदाय का प्रारंभ अल्लभ प्रभु और शिष्य बासव ने किया। इसमें शिव की उपासना का चलन है। शिवलिंग की पूजा की जाती थी और सबको जलाते नहीं थे बल्कि दफनाते थे। लिंगायत संप्रदाय में क्या किया जाता था? शिवलिंग की पूजा किया जाता था, किंतु सबको जलाते नहीं थे और दफनाते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय हुआ। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में क्या बहुत लोकप्रिय हुआ? लिंगायत संप्रदाय को जंगम या वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। लिंगायत संप्रदाय को जंगम या वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं कालामुख संप्रदाय। शिव महापुराण में कालामुख संप्रदाय के मतावलंबियों को महाव्रतधर कहकर पुकारते थे। शिव महापुराण में कालामुख संप्रदाय के
मतावलंबियों को महाव्रतधर कहकर पुकारा गया। महाव्रत लोग अपने शरीर पर चीता की भस्म लपेट कर रहा करते थे। 10वीं शताब्दी में मत्स्यनंद ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ ने किया। कालामुख संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार किसने किया? बाबा गोरखनाथ ने किया। राष्ट्रकूटों ने एलोरा में स्थित शैव के कैलाश मंदिरों का निर्माण कराया। प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर तंजौर में स्थित है। इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण चोल शासक राजा राज प्रथम ने करवाया। प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर जो कि शैव मंदिर तंजौर में स्थित है, इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है और इस मंदिर का निर्माण चोल शासक राजा राज प्रथम ने करवाया था। शिव के महान उपासक कुषाण राजा सर्वप्रथम अपने राज मुद्रा में शिव एवं नंदी का अंकन करवाया। शिव के जो कि महान उपासक कुषाण शासक हुए या राजा हुए, जो सर्वप्रथम अपने राज मुद्रा पर शिव एवं नंदी का अंकन करवाए। उसके बाद आते हैं वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के बारे में जानते हैं तो भागवत धर्म में ही वैष्णव धर्म का विकास 6वीं शताब्दी में हुआ। भागवत धर्म में ही वैष्णव धर्म का विकास 6वीं शताब्दी में हुआ। इसमें भगवान विष्णु का अधिक महत्व है। इसमें इसकी चर्चा पुराणों एवं उपनिषद में मिलता है। तो वैष्णव धर्म जो कि भगवान विष्णु का अधिक महत्व है, इसकी चर्चा पुराणों तथा उपनिषद में मिलता है। इसकी उपासक को क्या कहा जाता है? पंचरात्र कहते हैं। वैष्णव धर्म के उपासक को क्या कहा जाता है? पंचरात्र। विष्णु का उल्लेख सर्वप्रथम देवता के रूप में इत्रेय ब्राह्मण में किया गया। विष्णु का उल्लेख सर्वप्रथम देवता के रूप में कहां किया गया? तो इत्रेय ब्राह्मण में किया गया। भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानने वाले उपासकों को वैष्णव के रूप में जाना जाता है। भगवान विष्णु को जो अपना इष्ट देवता के रूप में मानते थे, उसके उपासक को क्या कहा जाता है? वैष्णव के रूप में कहा जाता है। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है। तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा कहाँ है? तो मत्स्य पुराण में है। तो सबसे पहला है मत्स्य, दूसरा कुर्म, तीसरा बराह, चौथा नरसिंह, पांचवा वामनवा अवतार, छठा परशुराम, सातवा राम अवतार, आठवा बलराम, नौवा बुध और दसवा कल्कि अवतार है। विष्णु के 10 अवतार कौन कौन हुए? मत्स्य, कुर्म, बराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुध और कल्कि। परशुराम कृष्ण और बौद्ध विष्णु के प्रमुख अवतार थे। परशुराम कृष्ण और बौद्ध विष्णु के प्रमुख अवतार थे। विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक लोकप्रिय वराह अवतार है। विष्णु के अवतार में सबसे लोकप्रिय अवतार कौन है? वराह अवतार है, जिसका प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक लोकप्रिय वराह अवतार है, जिसका उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में होता है। वायु पुराण में कृष्ण सहित भीष्म वीरों का भी उल्लेख है। वायु पुराण में कृष्ण सहित भीष्म वीरों का भी उल्लेख है। भीष्म वीर में वासुदेव कृष्ण देवकी के पुत्र, संकर्षण रोहिणी के पुत्र, प्रद्युमन रुक्मिणी का पुत्र, अनिरुद्ध प्रद्युमन का पुत्र और साहम जाम्बती का पुत्र है। वासुदेव कृष्ण देवकी के पुत्र, संकर्षण रोहिणी के पुत्र, प्रद्युमन रुक्मिणी का पुत्र, अनिरुद्ध प्रद्युमन के पुत्र और सांब जाम्बती के पुत्र हुए सांब। इस धर्म को अवतारवाद भी कहते हैं। वैष्णव धर्म को अवतारवाद भी कहते हैं। इसे मानने वाले पूर्णतः शाकाहारी होते थे। वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भक्ति मार्ग बताया गया। वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को भक्ति बताया गया। भारत में वैष्णव धर्म का केंद्र तमिल था। भारत में वैष्णव धर्म का केंद्र कहाँ था? तमिल, जो कि तमिलनाडु का है। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने कृष्ण के लिए हेराक्लीज शब्द का प्रयोग किया। यूनान के जो राजदूत मेगास्थनीज ने कृष्ण के लिए क्या शब्द प्रयोग किया? हेराक्लीज शब्द प्रयोग किया। यह क्वेश्चन आता है। बल्लवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद,
कबीर दास, रामानुजाचार्य आदि वैष्णव धर्म के प्रमुख भक्त थे। वैष्णव धर्म के प्रमुख भक्त कौन कौन थे? बल्लवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, कबीर दास, रामानुजाचार्य और ये सब वैष्णव धर्म के प्रमुख भक्त थे। वासुदेव कृष्ण जैन तीर्थकर अष्टनेमी के समकालीन थे। वासुदेव कृष्ण जैन तीर्थकर जो कि अष्टनेमी के समकालीन थे। कृष्ण के भक्त इन्हें भागवत कहकर संबोधित करते थे, अतः उनके द्वारा स्थापित धर्म को भागवत धर्म कहा जाता था। वैष्णव धर्म को सर्वाधिक विकास गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में हुआ। इनके दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में हुआ। इसमें 9 विद्वान रहते थे चंद्रगुप्त के समय में, दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। स्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेख की शुरुआत भगवान विष्णु के स्तुति होती है। स्कंद गुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसका शुरुआत भगवान विष्णु के स्तुति से होती है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में भगवान विष्णु के समान ही किया गया। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में भगवान विष्णु के समान ही किया गया। कालांतर में कृष्ण को विष्णु का रूप महाभारत काल में माने जाने कारण भागवत वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गए। कालांतर में कृष्ण को विष्णु का रूप और महाभारत काल में माने जाने के कारण भागवत धर्म वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार जोरों पर था, यहाँ तक कि इंडोनेशिया, मलाया, कंबोडिया, दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद चीन जैसे विदेशी स्थानों पर भी इस धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। वैष्णव धर्म का विकास दक्षिण भारत में बहुत तेजी से हुआ और दक्षिण भारत में इस धर्म को मानने वाले को अलवार कहा गया। और दक्षिण भारत में 12 अरहर संतों का विवरण मिलता है जिसमें एक महिला संत भी है। वैष्णव धर्म में 12 अरहर संतों का विवरण मिलता है जिसमें एक महिला संत भी है। प्रमुख संप्रदाय एवं उनके आचार। वैष्णव संप्रदाय के आचार रामानुजाचार्य मत है विशिष्टाद्वैत। वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य, ब्राह्मण संप्रदाय द्वैता आनंदी तीर्थ हुए आचार, रुद्र संप्रदाय सुहृताद्वैत बल्लवाचार्य आचार हुए मत, सनक संप्रदाय का मत द्वैताद्वैत निम्बकाचार्य आचार हुए। तो प्रमुख संप्रदाय उनके मत या आचार। वैष्णव संप्रदाय का मत क्या है? विशिष्टाद्वैत आचार्य रामानुजा। ब्रह्म संप्रदाय का मत द्वैत आनंदी तीर्थ हुए आचार, रुद्र संप्रदाय का मत सुहृताद्वैत बल्लवाचार्य आचार हुए, सनक संप्रदाय के मत द्वैताद्वैत आचार निम्बकाचार। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें।